स्कूल और कॉलेज के दिन हम सबकी जिंदगी के सबसे कलरफुल और यादगार दिन होते हैं। ये नौजवान हमारे देश का कल है। इनको सच और झूठ की सही परख है। ये अपनी ओपिनियन देने से डरते नहीं और अंजाम का सोचते नहीं। मैं चाहूं तो एक इशारे पर इनका सच, इनका साहस, इनकी जिंदगी सब कुछ मिटा सकता हूं। अगर हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक। टीजर के बाद 4 सालों तक क्यू टली थी घायल वंस अगेन। प्रकाश राज ने क्यू वापस खींची फिल्म से अपना हाथ। आधी शूटिंग के बाद बीच में ही क्यू रोक दिया गया था फिल्म को। एक सीन को शूट करने में क्यू लग गए 35 दिन। घायल वंस अगेन 2016 की एक ऐसी फिल्म थी जिसके रिलीज होने का इंतजार सभी को बेसब्री से था। और हो भी क्यों ना, लोगों के चहेते एक्टर सनी देओल काफी समय बाद एक्शन हीरो के रूप में उन्हें दिखने वाले थे। पर क्या आप जानते हैं कि बैंगलोर के एक थिएटर के बाहर लोगों ने सनी देओल के लगे पोस्टर के ऊपर ही मालाएं चढ़ाकर अपनी खुशी जाहिर की थी। आइए आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी और भी कई ऐसी ही दिलचस्प बातें बताते हैं। फिल्म के पहले भाग में एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री मुख्य किरदार में थी, जबकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान वे कई सालों बाद इंडिया आई थी, तो सबको लगा था कि वो एक बार फिर फिल्म का हिस्सा होंगी जिसकी शूटिंग के लिए वो आई हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि वो निजी काम से वापस आई हैं और जब तक उनकी बेटी की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती वो फिल्में नहीं करेंगी। फिल्म में एक एक्शन सीन को 2 मॉल्स में शूट करने में 35 दिन लग गए थे। फिल्म का नाम पहले घायल रिटर्न्स रखा गया था। इसका ट्रेलर सलमान खान की फिल्म रेडी के साथ रिलीज हुआ था। हालांकि ये फिल्म पोस्टपोन हो गई और इसका नाम घायल वंस अगेन रखा गया। 4 सालों बाद आखिरकार ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ 25 साल पहले अजय मेहरा को गिरफ्तार किया गया था। फिल्म में विलन के लिए पहले प्रकाश राज को कास्ट किया गया था, पर जब 4 सालों तक फिल्म शुरू नहीं हुई तो वो पीछे हट गए। फिल्म की 50% शूटिंग पूरी होने के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इसे रोक दिया गया। ये तो थी 1990 में आई सुपरहिट फिल्म घायल के सीक्वल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। बहरहाल आपको बता दे कि ओरिजिनल और सीक्वल के बाद अब मेकर्स इस फिल्म के तीसरे भाग पर काम कर रहे हैं। हालांकि ये ओरिजिनल फिल्म का ही एक रीमेक होगी, इसलिए इसे तीसरा भाग नहीं कहा जा सकता। सनी देओल एक बार फिर फिल्म में अपना किरदार निभाने वाले हैं, जबकि आपको बता दे कि उनके बेटे करण देओल भी अहम किरदार में होंगे। वो मेन लीड नहीं होंगे, पर वो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते जरूर दिखेंगे। फिल्म से जुड़ी और भी कई जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। तब तक आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।